तो दोस्तों सिल्वर ने बहुत ही बढ़िया तेजी जो है वो हमें दिखाई, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट से जो हमने डिस्कशन किया था वहाँ से जो है वो हमें दोनों तरफ की जो लास्ट वीक के अंदर है मूवमेंट देखने को मिली। सपोर्ट ब्रेक हुआ तो नीचे के लेवल जो है वो देखने को मिले, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ऊपर के लेवल भी देखने को मिले। तो दोस्तों लेवल का यही कमाल है, आपको बाय और सेल दोनों तरफ के जो मौके हैं वो हमें ये लेवल से मिल सकते हैं। तो बात करते हैं अब अगले वीक के अंदर क्या संभावना है उसके ऊपर। तो सबसे पहला सपोर्ट जोन जो दोस्तों रहेगा वो हमारा रहेगा 62,100 से लेकर 61,900। अगर हम ये वाला सपोर्ट जोन जो है वो ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ से 61,550 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ये लेवल के ऊपर ध्यान देना है। अगर हम ये लेवल को काटते हैं तो हमारा फाइनल जो लेवल रहेगा वो रहेगा 61,100। ये फाइनल सपोर्ट है दोस्तों, अगर सिल्वर ये फाइनल सपोर्ट को ब्रेक करता है इंट्राडे में तो भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, और अगर क्लोजिंग ये लेवल के नीचे होता है तो यहाँ से बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। लगभग लगभग 60,600 से लेके 59,900 का जो लेवल है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि जो है वो अभी उसकी संभावना कम है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें ध्यान कहाँ पर देना है दोस्तों, सपोर्ट जोन के ऊपर। अगर उसने सपोर्ट जोन को ब्रेक किया तो फिर यहाँ से जो है वो गिरावट बढ़ सकती है। बात करते हैं उसके रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, फिर उसके टारगेट के ऊपर बात करते हैं। तो उसका जो रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए वो है 62,250 से लेके 62,350 का लेवल। अगर हम ये वाला लेवल जो है वो ऊपर की तरफ काटने में कामयाब हो पाते हैं तो 62,600 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर ये इम्पोर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ काट पाते हैं तो यहाँ से हमारा फाइनल टारगेट रहेगा दोस्तों 63,050 का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, फाइनल टारगेट के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में जाएगा तो हमें जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लगातार 2-3 दिन अगर 63,050 के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग करता है दोस्तों तो यहाँ से भयंकर तेजी देखने को मिल सकती है। 63,550, 64,050, उसके ऊपर जो है वो लगभग लगभग 65,500 से 66,000 तक के जो लेवल है वो जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। कब? अगर 63,050 का जो लेवल है, फाइनल लेवल जो है, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करना, लगातार 2-3 दिन क्लोजिंग करना काफी जरूरी है। फिर जो है वो हमारा सपोर्ट जोन जो है वो हमारा SL बनेगा, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो अगर मंडे के दिन पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ चलता है तो ऊपर के लेवल देखने की संभावना हो जाएगी, और जो है वो सपोर्ट हमारा जो है सपोर्ट जोन जो है वो SL बनेगा। वैसे ही सपोर्ट जोन काटता है तो नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, रेजिस्टेंस जोन जो है वो हमारा SL बनेगा। तो ये जो है वो दोस्तों आपको लेवल जो है वो ध्यान में रखने, लेवल को वॉच करो, सीखो, समझो कैसे जो है वो मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो को 2-3 बार रिपीट करो और लेवल को मैच करो। खास दोस्तों एक बात आपको और बता रहा हूँ, लास्ट वीक का वीडियो निकाल के देखिए, कॉमोडिटी नाम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, उसके सपोर्ट और टारगेट नोट डाउन कीजिए पेपर के ऊपर, और लास्ट वीक के अंदर क्या क्या कामकाज हुआ है वो जाके जरूर मैच करें आप। ठीक है, सभी वीडियो के, ऐसे सिल्वर की बात नहीं कर रहा, जो जो वीडियो हम बनाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सारे जो हमारे प्लेलिस्ट मौजूद है, कॉमोडिटी के अंदर सारे जो लेवल है, करेंसी के लेवल है, डॉलर टर्म के लेवल है, वो सारे लेवल आप दोस्तों मैच करोगे तो आपको वैसे का वैसा ही देखने को मिलेगा। तो आप भी अगर ऐसे लेवल सीखना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप भी ऐसे सपोर्ट टारगेट सीख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।